हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 का है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। साथ में ये भी बताना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू आपके पास क्या है। इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसको अपने को एक्सप्रेस करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। जब इस तरह से दे रखा तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेशन में लाएंगे। कैसे, इसको लिखेंगे हम 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल 0। अब इसकी हम कंपेयर करेंगे x प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो आपको क्या मिला, a इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा, b की वैल्यू आपके पास 3 होगी और c कितना होगा 9.35 बार। ओके, इसी तरह से इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें दे रखा है x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसकी कंपेयर करें ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से, a इक्वल 1, जब कोई नहीं होता वहां पर 1 होता है, b इक्वल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 और c हो गया आपका माइनस 10। ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। इसी तरह से यदि हम कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, थर्ड में दे दिया आपके पास माइनस 2x 3y इक्वल 6। पहले तो रीअरेंज करें, 2x 3y माइनस 6 इक्वल 0। अब कंपेयर करेंगे x प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो आपने देखा a कौन आएगा माइनस 2, b कौन होगा 3 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फोर्थ में ओनली दे रखा है आपके पास x इज इक्वल्स टू 3y। सबसे पहले तो हम लिखें x माइनस 3y। अब ये c तो है नहीं तो उसको कितना ले लेंगे हम लोग, 0, जो चीज नहीं है क्योंकि इसे हम जब कंपेयर करेंगे तो इजी गोइंग हो जाएगा वो। बताइए a कौन है, 1 कोएफिशिएंट ऑफ x, b कौन है माइनस 3 और c तो हमारे पास है नहीं, उसको लिखेंगे हम 0। लास्ट एक क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ वाला, 2x इक्वल माइनस 5y, सो 2x प्लस 5y प्लस 0 लिखेंगे इसको भी। तो यहां देखिए a इक्वल टू, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से 6 है वो भी ऐसे ही है, उसमें 3x प्लस 2 इक्वल 0 है, 3x प्लस 0y प्लस 2 लिख सकते हैं उसको। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल 3, b इक्वल 0 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। रिमेनिंग दो क्वेश्चन आप करके देखिएगा, होमवर्क जैसे इजी है, हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।